परम सम्मानित मंच, इस मंदिर प्रांगण में मौजूद समस्त प्रतिभागण व पधारे हुए समस्त प्रभुजन नागरिक, समय की तरफ देखते हुए मैं अपनी बात दो तीन बिंदु पर संक्षिप्त रूप में रखना चाहूंगा। वर्ष 2008, वर्ष 2012 और वर्ष 2016 तीन साल में लगातार 9 प्रतियोगिता में कुल 9 गोल्ड मेडल जीते गए थे उसेन बोल्ट द्वारा। उससे पहले 2008 जो उनका पहला गोल्ड मेडल था, उससे पहले उन्हें कोई पहचानता नहीं था, सिर्फ उसके गांव शहर के लोग उसे पहचानते थे, लेकिन विश्व पटल पर उन्हें कोई नहीं पहचानता था। जो उनकी पहली रेस थी 2008 वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान, उसमें उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और वह महज 9.69 सेकंड में उन्होंने वो रेस पूरी कर ली। तब उस रेस के बाद में पूछा गया उनसे कि कितनी आसानी से आपने ये रेस जीत ली, महज 10 सेकंड से भी कम का वक्त, और आप अब पूरे वर्ल्ड में एक तरह से फेमस हो और आपकी ब्रांड वैल्यू करोड़ों में बढ़ गई है। इससे 10 सेकंड से पहले आपकी अहमियत शायद कुछ नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि ये आपका नजरिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन 10 सेकंड की वजह से नहीं, बल्कि 10 वर्षों में किए गए हजारों घंटों के अभ्यास की वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम के पीछे की कहानी हर एक व्यक्ति की अलग होती है। कहानी अलग हो सकती है, लेकिन सभी का जो एक कॉमन बिंदु है वह होता है परिश्रम, कठिन परिश्रम। हर एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके ही किसी भी मंजिल पर पहुंच सकता है। और ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि विद्यार्थी जीवन में भी हमारे यही बात लागू होती है। हम कई साल पढ़ाई करते हैं, 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है, फिर जब कंपटीशन का जो प्रतिस्पर्धा का जो एग्जाम होता है उसमें भी हम एग्जाम देते हैं। तो हमारी पढ़ाई जो होती है, जो मेहनत होती है, जो अभ्यास होता है, वो कई सालों का होता है। और जब परीक्षा हॉल में हम बैठते हैं तो वो महज 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम होता है, वो समय होता है। तो इसके लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ एक बात और हमें साथ में जोड़ती है, वो है मानसिक रूप से तैयारी, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई आपको किसी भी मंजिल तक नहीं लेके जाएगी, उसके साथ में आपका जो मन है वह भी स्वस्थ होना चाहिए, वह भी सकारात्मक होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में अधिक एग्जाम नहीं दिए है, तो मेरे पास में जीवन का कोई अधिक संघर्ष नहीं है, लेकिन मैंने 4 एग्जाम दिए, उसमें 2 में मैं पास हुआ हूँ और 2 में मैं फेल हुआ हूँ। तो 2 एग्जाम में मैं असफल हुआ हूँ, उससे मैंने कुछ सीखा और उसके बाद में वो मैंने सफलता हासिल की। सबसे पहला एग्जाम मैंने 2012 में दिया LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो एग्जाम मैं पास नहीं कर पाया। उसका एक ही कारण था कि मैंने हार्डवर्क बहुत किया लेकिन स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं किया। और यही होती है कि आप परिश्रम तो करते हो, लेकिन किस प्रकार से परिश्रम करते हो ये भी निर्भर करता है। क्योंकि जब कोई परीक्षा होती है तब बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग मेहनत भी सभी करते हैं, 5-7 घंटे 10 घंटे सभी करते हैं, लेकिन सफल होते हैं कुछ होते हैं। तो हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। हार्डवर्क कैसे, कि जब जो मैंने एग्जाम दिया वो एग्जाम सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में वो पेपर आता था, और यहाँ के ये हकीकत है कि हमारे हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि हम किसी भी एग्जाम में एक इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी से हम कम्पीट कर सके। तो सिर्फ हार्डवर्क किया लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं था वो, तो मैं उस एग्जाम में फेल हुआ। फिर दूसरी बार 2018 में RGS का एग्जाम दिया, उसमें हार्डवर्क भी किया, स्मार्ट वर्क भी किया, लेकिन एक वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो था कि मैं अपने मन को मजबूत नहीं कर सका, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड नहीं कर सका। मुझे लगा कि एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सफल होना शायद मुश्किल है, वैकेंसी कम है, तो वो जो एक नकारात्मक भाव आते थे शायद वर्ड की शायद ही होगा, और उस वजह से वो उसमें चयन नहीं हो पाया। तो
विद्यार्थियों के लिए दो ही बात कहूंगा कि आप मेहनत भी कीजिए, लेकिन मेहनत को लगातार कीजिए, स्मार्ट वर्क के साथ में कीजिए, अपनी योजना के अनुरूप मेहनत को कीजिए। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, पुराने पेपर्स देखिए, कितनी इस एग्जाम में कट ऑफ जाती है उसको देखिए। सिर्फ तैयारी करना ही सफलता की सीढ़ी नहीं है, तैयारी आप कैसे करते हो, आपका रास्ता कौन सा है वह तय करेगा। मंजिल पे तो सभी पहुंचने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ते हर एक व्यक्ति के अलग अलग हो, अलग अलग रास्ता होगा। तो आपका रास्ता कैसा है वह आप तय करोगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ में कीजिए, लगातार कीजिए, पूरे जुनून के साथ में कीजिए, अपना जितना भी 100% है वो दे दीजिए। और दूसरा कि जो मोबाइल फोन है उससे भी हो सकता है कि किसी के लिए लाभदायक हो, लेकिन अधिकतर जो समय जो विद्यार्थी जीवन का बर्बाद होता है वो मोबाइल के उपयोग से होता है। तो मोबाइल से भी दूर रहिए और अपना जो लक्ष्य है उस पर निरंतर मेहनत कीजिए। साथ में दूसरी बात भी मैंने कही कि मानसिक रूप से तैयारी, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा बनाए रखिए, नेगेटिव थॉट्स मन में न लाए। जब उसेन बोल्ट से कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं जब भी भागता हूँ तो अपनी 100 मीटर की रेस की जो लाइन होती है मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मैं लेफ्ट की तरफ नहीं देखता, राइट की तरफ नहीं देखता, मेरा लक्ष्य एक ही होता है कि मुझे उस लाइन तक पहुँचना है। तो आपका भी वही लक्ष्य होना चाहिए। और मानसिक रूप से पढ़ाई के बाद भी जब भी जहाँ भी जाओ मन में वही बात रखे कि मुझे ये जो लक्ष्य है इसको हासिल करना है। इसके साथ में मेहनत और मानसिक तैयारी के साथ में एक और चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है हमारा मनोबल कि हम निरंतर पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति तैयारी करने के लिए आज अगर बाहर जाएगा तो उसका मन कहीं कहीं विचलित होगा, लगातार वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कभी 10 घंटे पढ़ाई होगी, कभी 12 घंटे होगी, कभी 3 घंटे होगी। तो उसके लिए मनोबल को बढ़ाए रखे। मनोबल हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी का मनोबल हो सकता है कि मैं नौकरी प्राप्त करके अपने पिता का कर्जा चुकाना चाहता हूँ, किसी का हो सकता है कि मैं अच्छा पद हासिल करना चाहता हूँ, किसी का ये भी हो सकता है कि मैं पैसे कमाऊंगा, घर बनाऊंगा। तो मनोबल कोई भी हो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपना मनोबल यानी कि कारण जरूर रखे कि मैं ये इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैंने ये फील्ड चुना है तो क्यों मुझे ये हासिल करना है, उस क्यों और उस कारण से आपको बहुत ताकत मिलेगी। तो इसलिए मैं वापस यही कहा अभी कि आपका कारण कोई भी हो सकता है, उसमें सोचना अपराध नहीं है। आप सोच सकते हो कि मैं इस एक्स वाई जेड जॉब में जाके बहुत पैसे कमाऊंगा, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप जाने के बाद आपकी मानसिकता बदल जाती है। तो इसलिए अपना मनोबल भी बनाए रखे। तो ये 2-3 चीजें हैं इनके साथ में आप अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करके आगे बढ़े। मैं यही बात कहूंगा और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब। आपने फरमाया कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर सफलता हमें मिलेगी। कुछ एक प्रतिभाएं शेष रही है, तब तक